क्या राम केवल एक कल्पना मात्र है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जिसमें उसने कहा यह दुनिया सिर्फ स्पेस नहीं है, टाइम एंड स्पेस फॉर्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टाइम का सबसे एक्यूरेट पैरामीटर क्या हो सकता है? आप कहेंगे 5 बजे है, तो 5 तो दिल्ली में बजे ना, लंदन में तो कुछ और बजा होगा। यहां पर छोड़िए, धरती पे, मंगल पे, बृहस्पति पे, किसी पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम पे लागू हो, इट इज ओनली द रिलेटिव मोशन पोजिशन ऑफ द प्लैनेट। और भगवान राम के रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट यानी एग्जैक्ट टाइम लिखा है। कर्क राशि में गुरु था, कर्क राशि में चंद्रमा था, पुष्य नक्षत्र था, मकर राशि में मंगल था, और जब नासा ने प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो डेट तक निकल आई कि 7000 कितने सौ बीसी से पहले यह हुआ था। Wait a minute. इनका कॉन्फिडेंस लेवल देख के कोई भी इनकी बात पर विश्वास कर लेगा, परंतु आपको बता दूं कि नासा ने कभी भी राम की जन्मतिथि को फाइंड करने के लिए कोई प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं किया। और शुभांशु त्रिवेदी के अनुसार प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में जो तारीख आई वो 7000 बीसी अर्थात 9000 वर्ष पहले की है, परंतु आप इसे वेरीफाई करेंगे तो आपको कोई भी ऐसा ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलेगा जो इसे सही साबित कर सके। जब आप इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको कुछ वेबसाइट्स के आर्टिकल्स मिलेंगे, जिसमें आपको एक जी न्यूज का आर्टिकल मिलेगा जिसमें लिखा है कि इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास ने कहा है कि प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में की गई गणना के अनुसार राम का जन्म 10 जनवरी 5114 बीसी को हुआ था, अर्थात 7000 वर्ष पूर्व। तो चलिए इस बात का विश्लेषण भी कर लेते हैं कि ये कितना सही है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामायण त्रेतायुग में हुई थी, और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग की अवधि 12,28,000 वर्ष थी। तो रामायण 7000 वर्ष पूर्व कैसे हुई थी? वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ की आयु 60,000 वर्ष थी, और राम ने भी 11,000 वर्ष तक राज्य किया। तो रामायण 7000 वर्ष पूर्व कैसे हुई थी? वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, और चैत्र महीना हमेशा मार्च और अप्रैल महीने के मध्य में आता है। तो राम का जन्म 10 जनवरी को कैसे हुआ था?